अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि कोरोना वायरस से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और मीडिया पर पाबंदियों से मुतालिक मारूफ एंकर पर्सन रऊफ कलासरा के सवाल पर वजीर आजम बड़े कुटे। तफसीलात के मुताबिक रऊफ कलासरा ने सवाल करते हुए कहा कि हमें लगा कि शायद आप मीडिया से नाराज थे, मीडिया के खिलाफ कवानीन बनाते रहे, काबीना के हर एजेंडे में मीडिया पर पाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू होती रही। इस मौके पर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि सवाल कर ले, लेकिन रऊफ कलासरा ने कहा कि थोड़ा कमेंट करने की इजाजत दे दें। वजीर आजम पहले भी सुनते थे और अब भी सुनते हैं, मीडिया को टाइट करने के लिए कानून लाए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करना आपके जहन में था। डॉक्टर दानिश को जुल्फी बुखारी के खिलाफ तनकीद पर हुकूमत ने उनका प्रोग्राम बंद करवाया। ये हचा है कि पूरा मुल्क खतरनाक सूरत हाल में है और आपकी मीडिया के साथ लड़ाई है। ईरान का बॉर्डर खोलने के हवाले से आपके पास वक्त था फैसला लेने का, लेकिन आपसे फैसला नहीं हुआ और वजीर आजम ने कहा कि इस मौके को कोरोना से मुतालिक इस्तेमाल करें ताकि लोगों को कोरोना से मुतालिक समझ आए। आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मैं एक मीडिया पर बात कह दूं, जिस तरह मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी मगरबी जमहूरियत में देखा दें। मैं मगरबी जमहूरियत समझता हूं, जिस तरह के इल्ज़ाम यहां लगते हैं, अगर वहां लगाए जाएं तो वहां के कानून के मुताबिक इतने जुर्माने हों कि आपके अखबार बंद हो जाएं और आपके चैनल्स भी बंद हो जाएं। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो वजीर आजम इमरान खान ने खास तरीके से पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को डांट पिला दी है, ताकि इस तरह का कोई भी गैर जरूरी सवाल वजीर आजम को इस खास मौके पर और इस नाजुक सूरत हाल में ना किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।